और आसपास के तमाम इलाकों में ऑरेंज अलर्ट वैसे ही जारी कर दिया गया, लेकिन रात से लगातार बारिश वहां पर हो रही है और इसी वजह से मुंबई के अमूमन तमाम निचले इलाके ऐसे जहां पर पानी भर गया है, और जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें सबसे प्रमुख तौर पर सायन, चेंबूर, कुर्ला, अंधेरी, गांधीवली, बोरीवली, ये तमाम इलाके शामिल हैं। निचले इलाकों के साथ साथ मुंबई की लोकल रेलवे स्टेशन पर भी जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया था कि अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं मुंबई वालों के लिए, क्योंकि बारिश तेज हो सकती है। चुनौती भरा दिन आज रविवार का, तो ऐसे में बहुत जरूरी ना हो तो लोगों को यही हिदायत दी गई है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमाम निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, हिदायतें लगातार लोगों को दी जा रही हैं। ये वो इलाके कांदिवली का इलाका जहां पर देखिए भारी बारिश के बाद किस कदर लोगों के घरों तक में पानी घुसा है, ये वो हालात है जहां पर मजबूर लोग, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सामान कहां ले जाया जाए और खुद कहां जाएं। तो लगातार मुंबई में भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट कल से ही जारी किया जा चुका है, और ऐसे में निचले इलाके जहां पर पानी भरा है, पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, गुरुकृपा इलाका वहां पर भी देखिए कमर तक पानी और उस बीच सड़क पार करने को मजबूर लोग, हालात किस कदर खराब है मुंबई में वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हिंद माता का इलाका, यहां भी ये रात की तस्वीरें हैं, किस कदर बारिश वहां पर हो रही है, गाड़ियां चलना मुश्किल है। इसके अलावा लोकल पर एक तरीके से ब्रेक लग गया है क्योंकि पटरियां भी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। हालांकि आज रविवार का दिन है तो थोड़ी राहत इस वजह से भी कही जा सकती है कि तमाम कामकाजी लोग जो हैं वो आज घर ही पर रहेंगे, दफ्तर बंद रहेंगे, लेकिन अगर हालात कुछ इसी तरीके से रहते हैं तो फिर कल यानी सोमवार के दिन जब हफ्ते का पहला कामकाजी दिन होगा तब मुश्किलें हो सकती हैं। और इस बीच दूसरी तस्वीर देखिए हादसे की, चेंबूर में कई मकान गिर गए और मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल 16 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और 8 अभी भी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। मुस्तफा के पास चलेंगे, मुस्तफा क्या अपडेट अभी फिलहाल इस इलाके से? जी बिल्कुल, आपने पूरे बारिश का मुंबई में जायजा तो दिया और मुंबई में आने वाले हफ्ते में भी बारिश की वार्निंग है। फिलहाल बता दें वाशीनाका चेंबूर इलाका जो है ये आप कह सकते हैं कि पहाड़ियों पर बसी हुई जो चुकियां है वहां पर एक इलाका है, और तेज बरसात के कारण जो है थोड़ी सा जो लैंडस्लाइड की घटना है वो सामने आई है। तो जो घर नीचे की तरफ से जो टुकड़ी है उसके वहां पर मलबा गिरा हुआ है, जो पुलिस की जानकारी मिल पाई उससे 2 घरों से 8-8 करके 16 जनों को रेस्क्यू कर 2 हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनकी हेल्थ पे अभी भी अपडेट होना बाकी है। और साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बाकी लोगों को बचाने का वो पुलिस की तरफ से, फायर ब्रिगेड की तरफ से जारी है, क्योंकि इलाका जो है छोटा इलाका है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका है और इसलिए लोग वहां पर ज्यादा फंसे होने की आशंका है। अभी तक कितने एग्जैक्ट लोग फंसे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बाकी लोगों को निकालने के लिए शुरू है। मुस्तफा जानकारी दे पाएंगे क्योंकि लगातार बारिश भी वहां पर हो रही है, तो ऐसे में क्या किसी तरह की दिक्कतें परेशानियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी बिल्कुल, भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तकलीफ है वो सब सामना करना पड़ा ही था, और अभी बारिश थोड़ी थमी हुई है मुंबई में जिसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ा आसान हो पाया है, लेकिन इसके साथ ही साथ खतरा ये भी बना रहता है कि और भी पहाड़ का हिस्सा जो है वो उस तरह फंस कर आ सकता है और रेस्क्यू टीम जो है उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस चैलेंजिंग चीज को मुद्दे में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है, जिसकी अभी आप कह सकते हैं कि जो अंडरवे है 8-16 लोगों को ऑलरेडी रेस्क्यू किया गया है और बाकी लोगों को बचाने का काम जो है अभी शुरू है। बिल्कुल मुस्तफा, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें क्या हैं। और इस बीच देखिए मुस्तफा बड़ी खबर ये, हालांकि आज रविवार का दिन है और आप वहीं पर है, हालात अभी अगर आप बता पाए, ऑरेंज अलर्ट पहले ही मौसम विभाग ने जारी किया है। आरसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भारत नगर एरिया में जो BARC की कंपाउंड वॉल है वो बारिश के कारण गिर गई है, उसमें जो 4-5 जो घर थे उस पर वो वॉल गिरी है, तो उसमें फिलहाल जो है 2 स्पॉट पे इंसिडेंट हुआ है, तो उसमें से एक स्पॉट से अभी दोनों स्पॉट मिला के राजावाड़ी हॉस्पिटल में 8 लोगों को हम लोग लेके गए हैं और दूसरे शिव हॉस्पिटल है उसमें भी 8 लोग लेके गए हैं।